हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो मैट्रिक और इंटर दोनों एग्जाम, मतलब जो स्टूडेंट मैट्रिक है उस मैट्रिक के लिए और जो स्टूडेंट इंटर के हैं उसके इंटर के लिए, वो दोनों स्टूडेंट के लिए है जो 2020 के बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए थे। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है कि आप सभी को पास कर दिया गया है। मैं आपको बिहार बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस भी दिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि आप लोग अपना रिजल्ट कहां से चेक कर सकते हैं, और आप सभी का रिजल्ट अपडेट भी हो चुका है साइट पर, आप लोग वहां से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, और कुछ दिनों के बाद आपके स्कूल में भी आपका मार्कशीट आ जाएगा। तो उसी के चर्चा में ये वीडियो है कि आप अपना रिजल्ट कहां से चेक करेंगे, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस क्या है। तो उन सभी को जानने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई दोस्त आपके भी फेल हो चुके हैं तो उसके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वह सभी अपना रिजल्ट जान सके। और उन सभी स्टूडेंट को भी पास कर दिया गया जिसका दो पेपर में क्रॉस लगा था, दो से अधिक वाला भी। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस देखते हैं। तो दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पर बिहार बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें जो है हम लोग का अभी माननीय जो शिक्षा मंत्री है कृष्णानंदन प्रसाद वर्मा, उसने आज दिनांक इतने को 6/8/20 को, जो कल का हमारा डेट था उसी दिन नोटिस आया है कल रात में, कि बताया कि विद्यालय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों का वार्षिक परीक्षा 20 में सम्मिलित वैसे छात्र जो एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं और वह 2020 में कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले थे या उसके लिए पास थे, तो आप सभी कोविड-19 के महामारी के चलते उत्पन्न अत्यंत विषम परिस्थितियों के कारण आपका इस बार जो है इसी टाइम सिर्फ इसी मद्देनजर एक बार के लिए लागू अपवाद, मतलब वन टाइम एक्सपेंशन, मतलब ये सिर्फ इसी बार के लिए रहेगा, हर एक साल के लिए नहीं रहेगा, ये सिर्फ इसी साल के स्टूडेंट के लिए है। तो उसको कुछ अतिरिक्त अंकों को ग्रेस देकर उत्तीर्ण कर करने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर शिक्षा विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गई है। मतलब कि अगर आपका दो विषय में क्रॉस लगा है तो आपको पास कर दिया गया है, मतलब कि अगर आप इस बार कंपार्टमेंटल एग्जाम का फॉर्म भरे हैं तो आप सभी को पास कर दिया जाएगा, और ये सिर्फ इसी बार के लिए लागू रहेगा, अगले साल के लिए लागू नहीं रहेगा। जो 2021 में एग्जाम देंगे उसके लिए ये नियम लागू नहीं रहेगा। उसके बाद इस संबंध में उन्होंने बताया कि वर्षों के भांति इस वर्ष भी इंटरमीडिएट और वार्षिक मैट्रिक परीक्षा 2020 में जो वैसे दो विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, कंपार्टमेंटल परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया था, मतलब फॉर्म भरे थे, तो उस सभी को आयोजन वर्तमान में कोविड-19 महामारी के चलते नहीं हो सकता है। तो इससे आप लोगों का करियर बर्बाद हो सकता था, जिस कारण छात्र हित को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ध्यान रखते हुए मैट्रिक और इंटर दोनों 2020 में एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को जो शामिल हो सकते थे उस सभी को इस बार के लिए पास कर दिया गया है, अगले साल के लिए नियम लागू नहीं होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, ये नियम अगले साल के लिए नहीं लागू होगा, ये नियम इसी साल के लिए होगा। उसको कुछ अतिरिक्त ग्रेस नंबर, मतलब जितने नंबर से वो उस पेपर में पास हो रहे हैं उतने नंबर दे के, मतलब 30 नंबर तक आपको दिया जाएगा, उस नंबर में दे के आपको उस पेपर में पास कर दिया जाएगा। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो अब हम बताते हैं कि आप अपना रिजल्ट कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, क्योंकि आपको मैं रिजल्ट चेक करने के लिए भी बताऊंगा। तो रिजल्ट कहां से चेक करें, तो रिजल्ट चेक करने के लिए आप लोग ऑनलाइन bsceb.in के वेबसाइट पर जाएंगे। तो चलिए मैं आपको ऑनलाइन bsceb.in के वेबसाइट पर लेके जाता हूं। जैसे आप वेबसाइट पर लेके जाएंगे आपको इस प्रकार का वहां एक पेज खुलेगा, जिसमें लिंक 1 देगा, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4 और लिंक 5। तो अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट है तो आप लिंक 4 पर क्लिक करेंगे, अगर आप इंटर के स्टूडेंट है तो लिंक 5 पर क्लिक करेंगे। मैं दोनों लिंक पर क्लिक करके दिखा भी देता हूं कि आप लोग रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। तो मैट्रिक के स्टूडेंट लिंक 4 पर क्लिक करेंगे और इंटर के स्टूडेंट लिंक 5 पर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, यहां हम लोग लिंक 4 पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले लिंक 4 पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक का देखते हैं। तो अगर आपको अपना रोल कोड पता है तो आप लोग यहाँ रोल कोड दीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो आपके कॉलेज या स्कूल का जो रोल नंबर है जिससे आपको क्रॉस लगा, जिससे आप लोग एग्जाम दिए हैं, वो रोल नंबर फिलअप करेंगे, और यहाँ आपका जो कैप्चा कोड जो जोड़ के होगा आप लोग उस पर क्लिक करके आप लोग सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ हमारा रिजल्ट ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ मैथ में हम लोग इसमें क्रॉस लगा था, इस स्टूडेंट को मैथ के पेपर में क्रॉस लगा था, तो मैथ में इसको 14 नंबर दिया गया है और आपको इसमें 30 में स्टार लगा दिया गया, मतलब कि आप जो है यू आर अंडर रेगुलेशन से आप लोग पास किए हैं। आप अपने रिजल्ट को यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवा के आप लोग इस साल एडमिशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और आप लोगों का एडमिशन भी होगा। तो आप लोग अपने जैसे ही आज मेरिट लिस्ट घोषित होता है उसके बाद आप लोग जो इतने भी स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री का एग्जाम में क्रॉस लगा था वो सभी स्टूडेंट जो है आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटर एडमिशन के लिए आपको आपके अनुसार कॉलेज दिया जाएगा, तो आप सभी
अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको इस रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। साथ में अगर ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है रिजल्ट चेक करने में तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना रोल नंबर और रोल कोड दोनों डाल दीजिएगा, मैं आपको वहां रिजल्ट चेक करके बता दूंगा। अगर आपको इंटरव्यू फॉर्म एडमिशन अप्लाई करने कैसे जाना है तो वो भी जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।